पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किलोई विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए सरकार से बात न करने के मुख्यमंत्री खट्टर के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किलोई विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए मुख्यमंत्री से बात करना जरूरी नहीं और वो अपने दम पर विकास करवा सकते हैं। नहीं, 25 करोड़ तो क्या देंगे, 5 करोड़ का किया था वो भी पूरा नहीं गया। मैंने भी पत्र लिखा है, बहुत सारा बाकी है। अब पूरी टर्म में 5, पहले तो ये सोच रहा था जब अनाउंस किया कि हर साल 5 करोड़ मिलेंगे, लेकिन वो कह रहे एक टर्म के मिलेंगे, तो वो पूरी तरह से उसको अमली जामा नहीं पहनाया गया। आपके बारे में कहा कि हुड्डा साहब ने कभी मेरे को काम की नहीं किया अपने हल्के के बारे में। मैं क्यों कहूँ जब मैं खुद सक्षम हूँ अपने हल्के काम कराने का, जो होता है वो करवाते हैं काम, और काम हल्के के हो रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री को सभी ये कोई जरूरी नहीं है मुख्यमंत्री को ही कह के काम होगा। हाल ही में मेघालय के गवर्नर पद से रिटायर्ड हुए सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं के दाम बढ़ेंगे, इससे पहले ही अडानी के पानीपत में गोदाम बनवा दिए गए। किसानों की फसलों का सही दाम नहीं मिला, जब आंदोलन खत्म हुआ तो कुछ मुख्य मांगे थी। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उस वक्त किया वादा पूरा नहीं किया। जो भी इन्होंने वादे किए थे जिस दिन ये किसान आंदोलन वापस हुआ, और बस वो सिर्फ 3 कानून वापस ले लिए थे, इसके अलावा तो ना मुकदमे वापस हुए, ना MSP लागू हुआ है, ना MSP को कानूनी दर्जा मिला है। तो किसानों की जो मुख्य मांगे थी वो तो ऐसी की ऐसी पड़ी। सरकार में थे जब आप सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते थे किसानों के समर्थन में, तो सर ऐसा लगा कहीं आप पर भी दबाव आया हो? अब मेरा कहना ठीक नहीं है, दबाव तो बहुत तरह के थे, पर मैंने माना नहीं कोई दबाव। महिला आयोग की टीम लीगल, साइबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रति चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के तहत यमुनानगर पहुंची। यहां आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि कानूनों का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं पर भी कार्रवाई की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए बनाए कानूनों का दुरुपयोग किसी भी सूरत में नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, हम लोग हरियाणा के 22 डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें हम लीगल अवेयरनेस और साइबर क्राइम से बच्चों को अवगत कराते हैं कि किस तरह से आजकल क्राइम हो रहे हैं, कैसे हमें बचना है या कैसे हमें उसके बारे में समझना है। तो ये एक कैंपेन हमने चलाया हुआ है पूरे हरियाणा में, जिसमें हम एक कॉलेज में जाते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट के एक स्कूल में जाते हैं और उसी डिस्ट्रिक्ट के एक स्लम में जाते हैं। तो तीनों जगह पर हमारा मकसद एक ही है, सिर्फ नाम हमने अलग दिया है, यहाँ पे लीगल सेल और साइबर क्राइम है। अंबाला में टेस्टिंग ड्राइव के बहाने कार उड़ा ले जाने का मामला तब सामने आया जब एक ठग ड्राइवर धर्मेंद्र के साथ उसकी टैक्सी में हुमायूंपुर गांव में अमरीक सिंह की कार खरीदने पहुंचा, जिसके बाद 5,80,000 में डील तय हुई। ठग कार की टेस्टिंग ड्राइविंग करने के लिए निकला, जिसके बाद वो सफेद रंग की स्विफ्ट कार लेकर फरार हो गया। अब ठग के साथ आए टैक्सी ड्राइवर धर्मेंद्र और मैकेनिक भी शक के घेरे में है। मेरे पास 14 तारीख को 5:30 बजे शाम को जी सरजीत मिस्त्री कमरेडी अड्डे से फोन आया, मेरे गांव का मिस्त्री है जी, वो उसका फोन आया कि आप गाड़ी बेचना चाहते हो। मैंने कहा जी हाँ मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ। तो 15-20 मिनट में मेरे घर पे पहुँच गए, तो वहाँ जी सरजीत मिस्त्री इनको लेके आया, तो उन्होंने जी मेरी गड्डी के मैंने गड्डी की चाबी दे दी, उन्होंने गाड़ी चेक करी जी, सारी गड्डी उन्होंने देख के कहा गड्डी आपकी ठीक है, हमको गाड़ी की ट्राई भी नहीं लेंगे। मैंने कहा ट्राई कोई बात नहीं, ट्राई ले लो आप, उन्हें ट्राई नहीं ली जी गड्डी की, कह रहे हम तो जी मतलब पैसे देंगे और गड्डी ले जाएंगे आपकी। इतने में जी मैं मिस्त्री के साथ बात कर रहा था, तो दोनों बंदे जो आए थे मिस्त्री के साथ आए थे, मिस्त्री मेरे पास रह गए जी, दो ही बंदे गड्डी लेके ट्राई लेने चले गए। गुरुग्राम में एक बार फिर गौ तस्करों का आतंक देखने के लिए मिला, जहां गौरक्षकों की टीम को जानकारी मिली थी कि भोंडसी थाने इलाके में कुछ तस्कर गौवंश को भरकर मेवात की तरफ जा रहे थे। इसी का पीछा करते हुए गौरक्षकों की टीम ने जब गौ तस्करों की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, तो उन्होंने पहले तो गाड़ी पर पथराव किया और फिर जब गौरक्षकों की गाड़ी नहीं रुकी तो उन्होंने चलती गाड़ी से गौवंश को फेंकना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, गौरक्षकों की टीम को रोकने के लिए फायरिंग भी की गई। ये 4 से 5 गाय थी जो गौ तस्कर पिकअप गाड़ी में लेके जा रहे थे, जिन्होंने एक हमारी गाड़ी डाला तोड़ दिया, एक हमारी बलेरो के शीशे वीशे फोड़ दिए सारे, और एक स्विफ्ट गाड़ी भी तोड़ दी। हमारे गोरक्षक साथी जो भोकड़ है खोड़ से, उनको चोट भी लगी है काफी, और हमारी गाड़ी भी बिल्कुल टूट गई, टायर वायर सब फट गए। कहाँ से पीछा कर रहे थे आप? हम पूरे गुरुग्राम में सेक्टर 56 से पीछा कर रहे थे, फिर ये भोनसी के क्षेत्र में आके और पलवल के साइड भागने लगे। जब काबू किया, 3 गौ तस्कर मौके पर काबू कर लिए गए और 3 से 4 गौ तस्कर भागने में कामयाब हुए।
कितनी गाय रेस्क्यू कराई है इनसे? अभी 3 से 4 गाय रेस्क्यू कराई है, जो एक गाय अभी बरामद कर ली है जो रोड पे फेंक दी थी इन्होंने, गाड़ी चलाते वक्त रोड पे फेंकती जा रहे थे, और 2 गाय हमने अभी ढूंढ ली है। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।